नमस्कार दोस्तों, नेपाल और यूके गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसके तहत नेपाल के 10,000 नर्सों की डिमांड किया गया है यूके गवर्नमेंट के द्वारा। नेपाल में बस रहे बेरोजगार नर्स तथा अब्रॉड में काम करने की चाहत रखने वाली नर्स बहनों के लिए ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दरअसल दोस्तों, बात यह है कि यूके में नर्सों की बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज है, जिस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए नेपाल गवर्नमेंट से यूके गवर्नमेंट ने डिमांड किया है। बात करें जो नर्स नेपाल से यूके जाएंगी तो उन्हें सैलरी कितना मिलेगा, तो दोस्तों आप सभी के जानकारी के लिए बता दूं कि एग्रीमेंट के हिसाब से साल के 27,000 पाउंड से लेकर 32,000 पाउंड तक उनको सैलरी मिलेगा। अगर आप नेपाली में प्रति महीने की बात करें तो तकरीबन 3,60,000 से 4,30,000 तक की सैलरी मिलेगी, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का डील है, जिसके वजह से किसी थर्ड पार्टी के जैसे ठगे जाने की नौबत नहीं आएगी। इतना ही नहीं, इन सैलरी के अलावा भी नर्सेज को रहने के लिए घर और सभी प्रकार के हेल्थ बेनिफिट्स भी दिया जाएगा। दोस्तों ये एग्रीमेंट 2022 में ही साइन हुआ था, बट किन्हीं कारणों की वजह से काम आगे नहीं बढ़ पाया था। बट अब जाकर दोस्तों सितंबर से इसका काम स्टार्ट हो चुका है, जो कि फर्स्ट लॉट नर्सेज की नेपाल से यूके जाएंगी वो होगा साल 2024 की फर्स्ट मंथ यानी जनवरी में ही। ओवरऑल बात करें तो इस एग्रीमेंट से यूके को नर्स के रूप में मेडिकल वर्कर्स मिल जाएगी, तो दूसरी ओर नेपाल में जब वो लोग पैसे कमाकर अपने परिजनों के पास जब रिमिटेंस करेगी तो नेपाल के इकोनॉमिक पर भी उसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और तीसरा बात दोस्तों, इससे नेपाल की बेरोजगारी संख्या में भी कमी आएगी। अगर आप नेपाल के नर्स है तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा सुनहरा अवसर है। अगर आपके कोई दोस्त नर्स है तो ये वीडियो उनके पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी आपको ये खबर कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। नेपाल से रिलेटेड ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।